ज्योतिष आचार्य जी, कई ये सुनने में आता है कि जन्माष्टमी के दिन दो दिन मनाया जाता है, तो इसका क्या मुख्य कारण है कि जन्माष्टमी दो दिन मनाया जाता है? श्री राधे, जन्माष्टमी पर्व दो दिन मनाने का नहीं है, लेकिन वैष्णव मत और स्मार्त मत, वैष्णव मत और स्मार्त मत में थोड़ा सा अंतर होता है। स्मार्त लोग क्या करते हैं, भगवान का जिस दिन जन्म हुआ उस जन्म तिथि को व्रत रखते हैं और जयंती मनाते हैं। अब वैष्णव लोग जो हैं, भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ और मध्य रात्रि मथुरा में हुआ, मथुरा में जन्म हुआ लेकिन भगवान मथुरा में रहे नहीं और मथुरा से रात ही में गोकुल पधारे, तो जन्मोत्सव जो गोकुल में मना, अब उसी मत से वैष्णव लोग मनाने लगे दूसरे दिन जन्मोत्सव। अब इसमें कारण कुछ और है कि हम लोग जो है अष्टमी तिथि मध्य रात्रि, सप्तमी और अष्टमी जब दोनों मिला रहता है और रोहिणी नक्षत्र होता है तो स्मार्त लोग उस दिन व्रत रखते हैं, लेकिन जन्मोत्सव जो वैष्णव लोग मनाते हैं उसमें नवमी और रोहिणी नक्षत्र रहता है, इसलिए वो लोग जन्मोत्सव मनाते हैं तो ये दो दिन का हो जाता है। हम जो यहाँ अभी पागल बाबा आश्रम में हैं तो यहाँ का जो है हमारे इलाका में वैष्णव स्मार्त मत से 6 तारीख को यहाँ भगवान कृष्ण की जयंती मनाई जाएगी, लेकिन हो सके वृंदावन में जो है वह वैष्णव मत से 7 तारीख को मनाया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दो मत हो जाता है, वैष्णव और स्मार्त।